कितना इसको एक वो मानते हैं, और आने वाले समय में और तेजी से अब उत्तरकाशी और तमाम जगह पे भी रेल की बात आ रही है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी की स्थापना के क्षेत्र में बहुत बड़ी और नेत्र है उत्तराखंड, चाहे चारधाम रेल मार्ग हो, ऑल वेदर रोड हो, या जो हवाई कनेक्टिविटी हो, तमाम सुविधाएं उत्तराखंड को मिली हैं। और जो योगनगरी ऋषिकेश जो रेलवे स्टेशन बनाया गया है, वो उत्तराखंडी झलक उसमें दिखती है, और तमाम आधुनिकता समेटे हुए है वो। उसमें जो पर्यावरणीय जो चिंता है वो भी उसमें निहित है। तमाम जो यात्री होते हैं, दिव्यांग हैं, वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, उस हिसाब से वहाँ पर यूटिलिटी डेवलप की गई। स्वच्छता, क्योंकि बगल में गंगा जी बहती हैं तो स्वच्छ जल ही गंगा जी में जाए, इस तरह से उसमें ट्रीटमेंट प्लांट और फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो जहाँ वो स्थापत्य की दृष्टि बहुत खूबसूरत उसको बनाया गया है, वहीं पर्यावरणीय जो सोच है वो उसमें साफ साफ लगती है कि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना हो। तो प्रधानमंत्री जी, क्या डोगरा चांटी और इसका उद्घाटन करने आपने निमंत्रण दिया? प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था ऋषिकेश रेलवे स्टेशन और जो ऋषिकेश में चंद्रभागा पर जो एसटीपी प्लांट बना है, अत्याधुनिक और देश का अपने आप में अकेला प्लांट है और पहला प्लांट है ये, जो मल्टी स्टोरी है। और साथ ही जो डोगरा चांटी पुल, जिसकी दशकों से प्रतीक्षा थी प्रताप नगर विकास खंड के लोगों को, वो सब आज तैयारी में। तो हमने अनुरोध किया था माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी का समय मिले इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर, कोई टेंटेटिव डेट्स वगैरह थी आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी देखिए डेट सोचा था हमने पहले, लेकिन ये तमाम परिस्थितियाँ ऐसी बन गई है। अच्छा, कि प्रधानमंत्री जी पर निर्भर करेगा, ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी क्या वहीं से उसका लोकार्पण करेंगे, सारे सवाल अभी विचारणीय है। गूगल एक गूगल गूगल वाला